तो सबसे पहले बता दूं आपको कि जो पहले जब डेटा को हम एक सीट से दूसरे सीट भेजते हैं, तो पहले तरफ जो यहाँ पे रेंज आएगा, रेंज वो आएगा जहाँ पे डेटा टाइप होना है, मतलब जी टू पे टाइप होना है। यहाँ लिखूँगा कि जी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जहाँ से डेटा आना है, ए टू रेंज ए टू डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जी टू की वैल्यू उठा के, ए टू की वैल्यू उठा के जी टू पे डाल देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जी टू के अंदर में फॉर्मूला है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सुजीत एंड कुमार, फॉर्मूला डाल दिया, तो अपर भी जब इस मैक्रो को हम रन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ही आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, टेस्ट एज ए वैल्यू हो के आएगा। अगर आप यहाँ पे जहाँ पे टाइप होना है वहाँ पे अगर आपने कर दिया डॉट फॉर्मूला, तो अपर भी आपकी आनी तो वैल्यू ही है। ठीक है, हाँ अगर आपने यहाँ पे वैल्यू डालना दिया, फॉर्मूला डालना, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे टाइप हो रहा हुआ वैल्यू कीजिए, फॉर्मूला कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ से डेटा आ रहा है वहाँ पे अगर मैंने कर दिया हो फॉर्मूला, तो वहाँ से वो फॉर्मूला उठ के आएगा। अब देखिए फॉर्मूला उठ के आया, तो वैल्यू एंड फॉर्मूला में डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है। आपको लास्ट लास्ट क्लासेस में बताया था कि इस तरह से सेल पे टाइप करते हैं, तो इस तरह का टाइप होता है। ठीक है सर, कि अगर जहाँ से डेटा उठ के आना वहाँ फॉर्मूला हो गया, तो उसकी फॉर्मूला बार के डेटा उठ के आएगा, अगर आपने वहाँ वैल्यू किया तो वैल्यू उठ के आएगा। अब चलिए यही, अगर मान लो कि इसी डेटा को, नेम को मुझे दूसरे सीट पर रखना है या सीट नेम, तो चलिए एक छोटा सा हम फॉर्म बनाते हैं और उस डेटा जो है एक डेटा इस सीट से दूसरे सीट कोलेट करना सीखते हैं। जैसे कि एक फॉर्म मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ, फॉर्म के हेडिंग वेडिंग जो देना है दे दीजिए, नेम सिटी मोबाइल एंड पिन। और सेम हेडिंग जो है मैंने इधर रख दिया, और मैं जो यहाँ पे टाइप करूँ और टाइप करने के बाद सेंड पे क्लिक करूँ, वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आना चाहिए, फिर दूसरा करूँ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से वन बाई वन होना चाहिए। तो इसके लिए हम बटन पे भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक मैक्रो ही बना देते हैं, सही रहेगा। सब्जेक्ट सेंड नाम का हम एक मैक्रो बना देते हैं। तो हमें भेजना कहाँ, डेटा पे है, तो डेटा का प्रॉपर्टी नेम सीट टू है, या फिर आप सीड्स और डेटा जो प्रॉपर्टी नेम है इससे भी चल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सीट टू डॉट रेंज ए, यहाँ पे इन्वर्टर कमा देता हूँ, ए 65,000 डॉट एन, ANDN, और यहाँ पे मैं करता हूँ XLS अप डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे करता हूँ 1,0 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ताकि जो सीट जे पे जाए और नीचे से ऊपर की तरफ जाए और नीचे आए। और एक चीज आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे सीट को एक्टिवेट तो किया ही नहीं है, सीट टू पे तो मैं कर्सर गया ही नहीं। बेसिकली जब वैल्यू भेजना होता है, जरूरी नहीं है कि सीट टू पे ही जाया जाए, या फिर आपको इस तरह से लिख सकते थे कि आप सीट टू डॉट एक्टिवेट एक्टिवेट, तो
क्या होता है, सीट टू को एक्टिवेट करता, द नीचे से ऊपर जाता। तो मैंने इस चीज़ को नहीं किया, मैंने बोला कि डायरेक्ट सीट को बिना एक्टिवेट किए उस सीट पे ऑटोमेटिक वैल्यू भेज दो, दैट इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे फॉर्म पे आपका B4 है, रेंज B4 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब बोला कि सर यहाँ पे तो आपने सीट का नेम दिया है और यहाँ पे आपने सिर्फ रेंज फोर कर दिया, यहाँ भी आप सीट का नेम दे सकते हो, सीट वन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि जब हम इसको रन करेंगे तो मेरा फॉर्म तो एक्टिवेट रहेगा ही ना, और जो रेंज अगर होता है तो जो आपका एक्टिवेट सीट है उसी का रेंज उठाता है, अगर आप सीट का रेफरेंस नहीं देते हो तो। यहाँ का सीट का रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और डेटा में हमारा जो है हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0.1, मतलब कि मान लीजिए नेम में अगर यहाँ पे पुनीत टाइप कर दिया तो फिर अगली बार यहाँ से जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा, और B4 की नहीं B6 की वैल्यू को पेस्ट करेगा। देन अगेन मैंने पेस्ट किया तो इसके आगे मोबाइल, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया, और B6 के जगह B4 की जगह पे हो जाएगा आपका B9। देन अगेन B12 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब मैं एक बटन डिजाइन करता हूँ डेवलपर टैब में जाके, आप अगर ऊपर वाला बटन डिजाइन करते हो तो सिलेक्ट कीजिए और बस यहाँ पे इस सेंड को असाइन कर दीजिए, यहाँ पे सेव लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर दिया नेम अपना, नाम ही सुजीत, सिटी डाल दिया दिल्ली, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने 8802579388, मैं अपना मोबाइल नंबर, और पिन नंबर डाल दिया 1100062। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करते डेटा चला गया, बट यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गया कि ये एक आगे क्यों बढ़ गया, इसका मतलब है कि हमने 2 नहीं डाला, यहाँ पे 3 कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, डेटा चला गया, डेटा गया तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया जिससे पता चले डेटा चला गया। तो यहाँ पे आप दे सकते हो यहाँ पे MSG बॉक्स, यहाँ पे टाइप कर दीजिए योर डेटा हैज बीन सेव, इससे पता चलेगा कि भैया यहाँ पे हमारा काम हो गया इस तरीके से, ठीक है, आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो डेटा सेव हो जाए तो इसको क्लीन भी कर दें, तो यहाँ पे आप रेंज, हम कल की जो हमने कोर्स किया था सिलेक्शन मेथड, उस मेथड को फॉलो कर देते हैं, यहाँ पे सारे लिख देते हैं B4 कॉमा B6, अगर आपका मर्ज है तो मर्ज में कमांड नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, B9 एंड B12 डॉट क्लियर कंटेंट, क्लियर मत कीजिए वरना पूरा फॉर्मेटिंग भी क्लियर कर देगा, क्लियर कंटेंट। मैं रन करता हूँ, मैसेज आया ओके, सॉरी क्लियर कमेंट कर दिए, यहाँ पे क्लियर कंटेन होना चाहिए, क्लियर कंटेंट, क्लियर हो गया और डेटा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है सर। अब इसमें सबसे दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले ये करनी है कि मेरा कर्सर जो इधर उधर भाग रहा है
सो कर्सर मेरा इनके अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर। तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन मेथड यूज करेंगे। अगर आप हमारी पूरी क्लास ली होती तो चीज़ पता रहता आपको कि हम कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करते, राइट क्लिक करते, फॉर्मेट सेल पे जाते, और फिर इसको प्रोटेक्शन में जाके हम लॉक को हटा देते। लॉक को हटा देते इसलिए कि भाई इसमें टाइप हो, और फिर पासवर्ड जब डालते तो हम यहाँ पे सेलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर देते और यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट जो है ना इसको अलाउ कर देते, जरूरी है ताकि हम इस पर क्लिक कर सकें। अब इसमें मेरा कर्सर डायरेक्ट इन्हीं में मूव करेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। जैसे नया डालता हूँ इंदर, सिटी मैंने दे दिया पुणे, नंबर 1234567 8 9 एंड पिन नंबर ओके। और जैसे इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसमें अगर हम नाम ब्लैंक छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगा, फिर यहाँ पे नाम जो है नन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है कंडीशंस की कि एक्स बीवीए के अंदर में कंडीशंस कैसे आप पास करवाओगे। तो चलिए हम कंडीशन पास कराते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सेंड करने से पहले मैं चेक करूँ कि क्या नेम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ इफ लेन रेंज B4 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो देन। देखिए इफ लगाने का तरीका इस तरीके से, सबसे पहले इफ लिखोगे देन कंडीशन लिखोगे आप यहाँ पे। कंडीशन में लेन का फॉर्मूला लगाया, बोला कि अगर B4 पे कोई वैल्यू टाइप है, अगर उसका लेन जीरो के बराबर है, या फिर जो भी आप होता है ना तीन डिजिट का नाम कम से कम लिखना ही है, तो डिजिट आप यहाँ पे दीजिए कि अगर डिजिट ए है देन। अब इफ को मैं कल की क्लास में आगे आप एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल आपको समझाता हूँ कि देन देने के बाद आपको क्या करना है, मैसेज बॉक्स पास करना है। तो यहाँ पे MSG बॉक्स मैंने बोल दिया प्लीज एंटर नेम, ठीक है। और उसके बाद अब ये करने, उसके बाद यहाँ पे आप एंड इफ कर दीजिए, एंड जहाँ इफ स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एंड इफ करना जरूरी है। लेकिन इतने से आपका नहीं हुआ, क्योंकि आगे तो चलेगा ही चलेगा प्रोसीजर, क्योंकि जो कोड आपने लिखा है वो कोड तो चलेगा जो ले, तो हमें यहाँ पे कोई कोड को ख़त्म करना होगा। तो कोड को ख़त्म कर माने मैक्रो को ब्रेक करने के लिए, मैक्रो को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप एंड लगा दो ओनली फॉर एंड, तो आपका मैक्रो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपका एग्जिट सब। एग्जिट सब और एंड में क्या डिफरेंस है जब आपको यूजर फॉर्म पढ़ाऊँगा उसमें समझा दूंगा। अब क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूँगा पूछेगा एंटर, बोलेगा प्लीज एंटर नेम, और देखिए आगे के प्रोसीजर को नहीं चलने दिया इसने। अगर चलता तो ये मैसेज बॉक्स आता हमारा, तो यहाँ पे दे दिया। तो ये हो गया आपको सिंगल कंडीशन, मतलब सिंगल कंडीशन हो गया कि इसमें एल्स नहीं लगाया। अगर आप चाहते कि एल्स लगाना तो इस एंड इफ को आप कट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए एल्स। तो इसके दो पार्ट हो गए। अगर मैसेज अगर यहाँ पे रेंज की वैल्यू ट्रू हुई तो आपको यहाँ पे मैसेज ए शो करेगा, माइक्रो एंड हो जाएगा, नहीं तो आपका ए शो करेगा। तो इफ के एल्स के पार यहाँ पे रख दिया, इफ और एल्स हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है सर। तो ये आपका इफ और एल्स का पार्ट हो गया कि यहाँ पे आपने कंडीशन दिया और आपका डेटा को एक सीट से दूसरे सीट पे आपने ट्रांसफर करवाया, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि इसी डेटा को किसी अलग फाइल में ट्रांसफर करवाना हुआ, मतलब कि मैंने इसको मूव किया क्रिएट कॉपी न्यू वर्कबुक एंड
और इसको सेव कर देता हूँ, सेंड नाम, सेंड नाम है एस डेटा के नाम, एस डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल, मेरा डेटा जो है डायरेक्टली इस डेटा में जाए, इस डेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे उस इस डेटा को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहाँ पे उस पार्टिकुलर का पूरा पाथ एस डेटा डॉट xlsm ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद वापस जो आपकी जो ये फाइल है, क्या नाम है इस फाइल का, उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि ओपन होते ही आपका बुक वन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ओपन होते तो डायरेक्ट वही रहेगा। तो जो भी आपका फाइल नेम है उस पर आप विंडोज से या फिर वर्कबुक से, विंडोज और इसमें आप दीजिए बुक वन डॉट एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद आपको भेजना है डेटा का, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स, पूरा पाथ देना पड़ेगा, फिर इस फाइल का पूरा नेम देना पड़ेगा, याद रखिएगा, विथ एक्सटेंशन, देन सीट टू नहीं है इसमें, सीट वन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे कोड में इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सीट ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, एरा, डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, फाइल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है सर, चलिए इस फाइल को करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पूजा दिल्ली, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिबग का कोई एरर आया, नहीं नहीं ये तो सही है, इसके तो एक्टिवेट कर दिया ना कोड, यहाँ इसको पार करके मतलब कि सही है, यहाँ पे गलत है। वर्क बुक्स, वर्क बुक सही है, एस डेटा डॉट एक्स प्लस एम डॉट सीट वन, एक मिनट मुझे देखने दीजिए इसमें इस डेटा पे, ओके देखिए सीट टू है, तो आप सीट टू कर दीजिए या फिर सीट्स डॉट डेटा कर दीजिए, ऐसी दिक्कत हो रही है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सीट्स और यहाँ पे डाल दीजिए आप डेटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम से भी कॉल कर सकते हैं और इससे भी कॉल कर सकते हैं। मैं ये कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं।
डेटा हैज बीन सेव, फाइल को इसने क्लोज भी कर दिया, देखिए क्लोज कर दिया। अगर मैं अपने उस फाइल को, इस डेटा को ओपन करूँ, तो आप देखिएगा डेटा यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो एक तरह से अगर मान लीजिए कि आपको एक डेटा फॉर्म डेटा एंट्री करनी पड़ती है, तो आप फाइल में ना करके ऐसे करें तो आपका क्या होगा कि जो पीछे फाइल में डेटा जा रहा है वो डेटा आपके लिए सुटेबल ये रहेगा, फिक्स रहेगा। चलो ठीक है, एक डेटा से दूसरे डेटा में आप लोकेशन में भेज रहे हो। इसका यूज मैंने किया था एक परफॉर्मेंस मेंटेनेंस के लिए, ठीक है सर। क्या हुआ कि मेरे ऑफिस के अंदर में एक काम था कि हमें डेली बेसिस में हर किसी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना था, परफॉर्मेंस डेटा कि आज उसने क्या क्या काम किया है। क्योंकि अप्रेजल के लिए हमने एक ऑटोमेटेड शीट बनाई थी अप्रेजल के पॉइंट्स निकालने के लिए, तो हर दिन एक डेटा चाहिए होता था। तो मेरे ऑफिस में 1500 स्टाफ थे, 1500 की 1500 फाइल को कोलेट करना बड़ी मुश्किल थी। तो मैंने क्या किया कि एक शेयर ड्राइव में जो सबको एक्सेस है उस पर फाइल को रख दिया, और उसके बाद जो है अपने इस डेटा को, अपने इस मेथड फॉर्म मेथड को फॉर्म बना दिया, डेटा बना दिया, सबको फॉर्म भेज दिया। मैं बोला इसको ओपन करो और फाइल को भेजते जाओ। तो बैकएंड में अपने आप फाइल को ओपन कर भेज देता था, और विद इन सेकेंड में डेटा हमारा कुलेट एक के नीचे कुलेट होते चले जाता था। नहीं, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि फाइल जो खुल रही है वो विद इन सेकेंड के लिए खुल रही है सर। क्या तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो फाइल, तो ये जो बुक वन है फॉर्म वाला फाइल है, तो सबके पास अपना खुद का फाइल है। ये फॉर्म जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो विद इन सेकेंड के लिए आपको डेटा को उसमें डालने जाता है, ठीक है ना। और आगे चल के हम आपको जब हम फाइल प्रॉपर्टी हैंडलिंग सिखाएंगे तो भी दिखा देंगे कि वो वेट करेगा व्हाइल लूप लगा के, हम इसमें और भी लगा सकते, वेट करेगा कि अगर फाइल रीड ओनली में है तो वेट करेगा जब तक कि वो एडिट मोड में ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे वो एडिट मोड में आता है देन वो फाइल को ओपन करेगा। नहीं यार, जब तक एक्सेल की लाइब्रेरी में, तो डेटा कैसे डालोगे आप? तो बैकएंड में खुल रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है किसी को पता ना चले, तो आप ऊपर में एक सिंपल सा कोड लिख सकते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। ये फाइल खुला कि नहीं खुला पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्रीन दिखाएगा ही नहीं। लास्ट में ट्रू कर दिएगा, हमें सेटिंग चेंज किए हैं, जैसे हमें वापस सेटिंग को सही कर दिया, ठीक है सर, तो पता ही नहीं चलेगा फाइल खुला कि नहीं खुला। तो इसी एक कोड में आपको भेज रहा हूँ। अब इसी मेथड पे मुझे आप जो है एक अच्छा सा फॉर्म बनाया, आपको तो मैं सिंपल फॉर्म बनाया, आप जो है एक अच्छा सा ऐसा फॉर्म जो कि एक यूजुअल हो वो बना के दीजिए। ठीक है सर। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल की टॉपिक में मैं आपको कराऊंगा आपका डेटा टाइप्स एंड कंडीशन। और एक चीज़ और है, आपको मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताया, जैसे कि अपने होम मेनू में जो होता है कि फॉर्मेटिंग कैसे, अलाइनमेंट कैसे, नंबर कैसे, फिल्टर कैसे, तो इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्डिंग करके देख सकते हो। तो आप रिकॉर्डिंग करके इसकी कोड को समझ लेना, क्योंकि इसकी कोड आपको मिल ही जाएगी। जैसे कि आप बोलोगे सर मैं मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, या मुझे फॉर्मेट पेंट करना है, या मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, परसेंटेज अप्लाई करना है, या कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, या टेबल में कन्वर्ट करना है, या फिर इसमें से कोई फंक्शन अप्लाई करना है, तो आप एक काम करो, एक काम और कीजिएगा, आप अपने बैकएंड में करते चले जाइए और शीट मुझे ही भेज दीजिएगा कि जितने भी एक्सेल के कमांड है उस कमांड का कोड क्या है, ठीक है ना। आप उसको रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए रिकॉर्ड करके उसका एक एक्सेल फाइल, एक वर्ड फाइल मेंटेन कीजिए, फीचर्स के नेम्स और उनके एप्लीकेशन कोड,
और उसे आप मुझे मेल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास ये एक आ जाएगा, तो अब इन फ्यूचर में किसी को फॉरवर्ड कर देंगे। और दूसरा कि आप अगर करोगे तो आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सारे कोड जो है, ये सारे कोड तो आपको मिल जा रहे हैं। तो इसको सीख के जो टाइम वेस्ट करना है, हम उस कोड को सीखें जिसको जो नहीं आ सकता है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए रिकॉर्डिंग के जरिए जान लीजिए आप। ठीक है सर, तो आज सर ये कोड का जो है ना मेंटेनेंस स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप आज ही भेज दें, धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे इसकी एक वर्ड फाइल बनाइए। एक तो आपका और भी बीवी अच्छा होता चला जाएगा, और आपको आपका एक कोड का एक बुक भी बनता चला जाएगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ सर।